अनुज को हो रही है अनुपमा का फिक्र। वो मन ही मन सोच रहा है, खुद को ही कोस रहा है, सोच रहा है इतना पास में भी आकर वो नहीं मिल सका। वहीं दूसरी तरफ अंकुश को इस बात का फिक्र है कि अनुज को ऑफिस में आकर कुछ गलत ना लगे। लेकिन बरखा अंकुश को उल्टा ही डांट के चुप करा देगी और कहेगी कि वो अनुज का गुलाम बनते जा रहा है। तभी वहाँ पे अनुज आ जाते हैं और अंकुश अनुज एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन बरखा अनुज को कहती है, जो भी बात करना है चलिए केबिन में करेंगे। लेकिन अनुज का ध्यान है वो गेट पे ही रहता है और बार बार गेट को ही देखता रहता है। लेकिन बरखा है वो डर जाती है कहीं अनुपमा और अनुज एक दूसरे से ना मिले। बरखा बार बार अनुज को केबिन में भेजती है ताकि अनुपमा आए तो अनुज उससे ना मिले। अंकुश बरखा की चाल को समझ जाता है और कहता है कि चाहे तुम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिलके ही रहे।